गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी, हिंदी व्याकरण। बेटा, जैसे कि चैप्टर टू चल रहा था, तो निकालिए चैप्टर टू वर्णमाला, लेक्चर टू। देखिए, वर्णमाला में आ बड़ा आ, का खा गा, ता था सा हा, सब वर्ण हैं। बच्चों, वर्णमाला में आ बड़ा आ, का खा गा, ता था सा हा, सब वर्ण हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। बेटा, वर्ण जो होते हैं वो भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। बच्चों, देखिए, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, क्या होते हैं? वर्ण। इनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तो बेटा, आ जाइए आप पेज नंबर 8 पर। सभी वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। बेटा, वर्णमाला में जो मतलब जैसे कि वर्ण होते हैं, तो हम लोग उनको अक्षर भी बोलते हैं। और वर्णों का समूह, जो वर्णों का समूह होता है, वह क्या क्या कहलाता है? वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। स्वर, ये देखिए, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगा खाली। ये क्या है? ये हमारे स्वर हैं। आ से लेकर अंगा तक स्वर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों, लेक्चर टू में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। आगे के लेक्चर में हम आगे का कंप्लीट करेंगे। होमवर्क में आप ये जो स्वर हैं, इनको आप पढ़िएगा। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। होमवर्क में आपको ये वर्क लर्न करना है। ओके, स्वर क्या करना है? छोटे आ से लेकर अंगा तक। तो ये आप अपना कंप्लीट करेंगे। लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू क्लास।